नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में क्या चल रहा है चलो उसके बारे में देखते हैं, और प्रॉफिट किस में मिल रहा है। कल मैंने आपको दो टोकन जो है सजेस्ट किए थे, कहीं ना कहीं बाइनेंस से रिलेटेड थे, और ये न्यूज आपको किसी ने नहीं दी थी, केवल मैंने आपको दी थी। और देखिए दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, अभी भी बन रहा है। चलो बात करेंगे उन पर भी, पहले मार्केट देख लेते हैं एक्चुअली मार्केट में क्या हो रहा है। बीटीसी 37,300 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा साइड मूवमेंट, और रात को हो सकता है ये 38,000 के आसपास तक फिर जाए और फिर थोड़ा सा नीचे, अभी यही सब चलेगा। उसकी वजह भी है, उसकी वजह है आपका ग्रे स्केल और कहीं ना कहीं ब्लैक रॉक। अभी रिसेंटली अगर आप देखें, अगर ट्विटर पे आप एक्टिव हैं तो वहां पर कई सारे ऐसे पोस्ट मिलेंगे कि ग्रे स्केल की SEC के साथ एक मीटिंग हो चुकी है, उसके तुरंत बाद उन्होंने जो है अपना एक रिवाइज्ड स्पॉट के लिए जो ETF एप्लीकेशन था वो फाइल किया है। क्यों किया? क्योंकि कहीं के अंदर से उनको ये इंस्ट्रक्शंस मिले कि भाई आप ये चीज और करके दीजिए। यानी ग्रे स्केल भी अगर देखो तो पूरी तरीके से पीछे पड़ा हुआ है। जो आप मार्केट में बुलिशनेस देख रहे हैं कि इतना बड़ा कांड जैसे कहेंगे कि बाइनेंस के साथ हुआ, बाइनेंस का इतना बड़ा, वो कहते हैं सब हेर फेर वाली चीजें बाहर भी निकल के आई। अगर यही चीज अगर स्पॉट के ETF की अगर कोई न्यूज ना होती तो मार्केट यहां से बहुत अच्छा खासा डंप कर जाता, उम्मीद से भी ज्यादा डंप करता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बुलिश चीज पीछे चल रही है, ग्रे स्केल और ब्लैक रॉक वाली, ये कहीं ना कहीं मार्केट को अभी भी एक बुलिश मोमेंट में रोके हुए हैं। बस यही वजह है कि BTC अभी भी आपका 37,000 से ऊपर है। वो जब CZ के इस्तीफे की जब बात आई थी तब जरूर थोड़ा सा डंप हुआ था, लेकिन उसको डंप नहीं कहेंगे, उस टाइम पे थोड़ा सा वो पैनिक जरूर हुआ। क्यों? क्योंकि बाइनेंस से अच्छा खासा अमाउंट निकल गया, 1 बिलियन से ज्यादा का विड्रॉ हो गया। तो देखिए जब इतना एक साथ निकल जाएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डंप तो आएगा ही आएगा। अब यहां पर जो बात है वो सारी यही है कि कहीं ना कहीं सबको ये लगता है कि शायद कहीं दिसंबर में ही ना ऐसा हो, वो कहते गुड न्यूज मिल जाए कि ETF अप्रूव वाली। तो देखिए वो तो अब जो अप्रूव करेंगे वो तो उनको पता है, या ये लोग जो बैकडोर में जाके जो बात कर करके आ रहे हैं इनको पता है, बाकी देखिए और किसी को नहीं पता कि एक्चुअली है क्या। नहीं तो देखिए अभी तक तो कहीं ना कहीं से इंटरनल भी ऐसी न्यूज मिल जाती, ब्लूमबर्ग हुआ, कॉइन टेलीग्राफ हुआ या कहीं और से भी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ निकल के आ नहीं रहा। लेकिन ये जो बातचीत चल रही है वो कहीं ना कहीं आपके देखिए उसके फेवर में जा रही है, इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हैं या जो होल्ड करके BTC बैठे हैं वो पॉजिटिव हैं, और आपका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो आपका कल 70 से भी नीचे चला गया था वो दोबारा से आपका 73 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये है कुछ बुलिश साइन जिसकी वजह से आप मार्केट में देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंट अभी बना हुआ। मार्केट कैप भी देखिए कल कम हुआ, लेकिन आज फिर से आपका 1.42 ट्रिलियन के आसपास दोबारा से है। तो ये क्या है, जहां थे दोबारा वहीं लौट के आ गए। ये अगर बीच का थोड़ा सा सिनेरियो निकाल दिया जाए तो जो बाइनेंस वाला हुआ, चलो जो हुआ सो हुआ। अब देखते हैं आगे का क्या चैप्टर रहेगा, कौन कौन से चैप्टर और निकलते हैं या जो भी है। फिलहाल तो देखिए सबको जो इंतजार है वही ETF वाला है कि जो बातचीतें चल रही हैं उसकी वजह से। अब मैंने आपको कल देखिए दो टोकन सजेस्ट किए थे, सजेस्ट किया वो तो जग जाहिर था, लेकिन लोगों ने शायद उसको फोकस नहीं किया। हमारा तो साहब सीधी सी बात है, जो चलता है उसके साथ चल देते हैं, क्यों पता है प्रॉफिट वहीं मिलेगा। जो चीज अभी चल नहीं रही उस पर ज्यादा फोकस करके अपना टाइम बर्बाद करना है और कुछ नहीं है। अब आप लोग कई बार पूछो सर इसका बता दो उसका बता दो, भाई मेरे क्या फायदा है अभी उन सब का? कोई फायदा नहीं है। आपके पास जो है उसको लेके बैठो शांति से, कोई दिक्कत नहीं, उसको होल्ड करके बैठो, क्योंकि जब प्रोजेक्ट में कोई डेवलपमेंट होगा तो आपको उसका असर भी नजर आएगा। जब प्रोजेक्ट में कोई डेवलपमेंट हो नहीं रहा, टीम कुछ कर नहीं रही, तो मेरे बताने से भी उसमें कुछ होना जाना नहीं है। तो इसलिए आपसे हमेशा से वही कहता हूं, भाई जो चीज चल रही है उसके साथ चल दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। जो आपके पास है उसको होल्ड करके रखो, एक दिन वक्त उसका भी आएगा, ऐसा नहीं कि उसका नहीं आएगा, आएगा उसका भी। तो इसलिए बेहतर वही है कि जो चीज चले उसके साथ हो जाया करो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैंने देखिए वही कर रखा है, मैं आपको देखिए समय समय जो चीज बताता हूँ उसमें वही बताता हूँ कि भाई अभी क्या चल रहा है, यानी कौन से में प्रॉफिट मिल सकता है। भाई हमें प्रॉफिट लेने के लिए आए हैं यहाँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि ठीक है जी हमने ले रखा है अब उसी के बारे में पूछते रहे बताते रहे, तो उसका फायदा क्या, टाइम बर्बाद करना है। बेहतर वही है कि जो है उसको रखो साइड में, और जो नहीं है और जो प्रॉफिट दे रहा है उसके साथ कुछ देर के लिए हो लो। हम ये नहीं कहते परमानेंट हो जाओ, कुछ देर के लिए हो लो। अब जैसे कल दो टोकन थे, बॉन्क था और आपका पायत था, क्यों? क्योंकि बाइनेंस फ्यूचर की कहीं ना कहीं उसके साथ न्यूज चल रही थी, और कल बॉन्क ने ठीक ठाक आपको प्रॉफिट दिया। मैंने आपको जो है जब 39 और 40 की सीरीज पर था उस टाइम भी आपको, अगर वैसे तो उससे पहले मैं आपको ट्विटर पर सजेस्ट कर चुका था, लेकिन वीडियो में जब बनाया था उस टाइम 39 और 40 की सीरीज पे चल रहा था, और बॉन्क आपका 47 की सीरीज तक गया डॉलर में।
तो आप इसके आगे जीरो भी है, तो आप ये मतलब 47 डॉलर, इसके आगे जीरो भी है बॉन्ग में। तो वहां पर मैं कल सीरीज की बात कर रहा हूं, तो वहां पर भी आपको बॉन्ग में प्रॉफिट हुआ। मैं 4-6 की सीरीज से आउट हो गया, निकल दिया मैंने अपना जो भी था, और 4-7 की सीरीज तक वो गया, उसके बाद फिर से उसका प्राइस नीचे आया। अब पायथ में अगर हम देखते हैं तो देखिए पायथ में अभी भी आपका प्रॉफिट चल रहा है। पायथ में मैंने होल्ड करके रखा हुआ था, अभी भी उसमें मेरा बैलेंस बाकी है। तो पायथ में ये मान लीजिए अभी भी आपका 5-0 की सीरीज पे चल रहा है, यानी कि ये 0.50 की सीरीज चल रहा है, जो लगभग 5-2 तक भी गया है कहीं कहीं किसी किसी एक्सचेंज पर। तो आप एक चीज बताइए, जब प्रॉफिट मिलता है तो क्यों छोड़ो भाई? इसमें अभी थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन का सीन नजर आएगा, तो आप देखेंगे अपना 50-50 प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे। तो भाई प्रॉफिट मिलता है उसको लेते रहो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो फिलहाल देखिए मैं बॉम्ब पे अभी फोकस नहीं करूंगा, क्यों? बॉम्ब और सोलाना दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, और सोलाना की जब अभी हालत खराब है तो अब बॉम्ब में ज्यादा कुछ होना जाना नहीं है, क्यों? वो न्यूज भी पुरानी हो चुकी है जो बाइनेंस वाली है। तो आप ये कहोगे आप बॉम्ब में बहुत ज्यादा कुछ रफ्तार आएगी, नहीं मुझे नहीं लगता। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर कहूँ, आज मेरा बॉम्ब पे कोई फोकस ज्यादा नहीं रहने वाला, आज मेरा जो फोकस है वो केवल पायथ पर है, और आपका बीएनबी देखूंगा कि बीएनबी में क्या सीन आगे और क्रिएट होगा, क्योंकि बीएनबी अभी एक ऐसी रेंज में पहुंच गया है $233 पर। मे बी हाँ इसमें देखिए थोड़ी बहुत उठा पटक तो होगी, ऐसा तो नहीं है। बाइनेंस का देखिए जो होना था तो हो चुका है, अब उसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा। सीईओ नया आ चुका है, सीजेड साइड हो चुका है, बैक एंड में वही सब कुछ करेगा, बेशक दिखाने के लिए मोहरा कोई और है, जो भी है। तो फिलहाल अब देखते हैं थोड़ा सा बीएनबी पे आ थोड़ा सा। हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, एफटीटी, मैंने आपको कई बार बीच में इसके संबंध में बात की, और अभी भी देखिए एफटीटी आपका लगभग अभी जो करंट में प्राइस है वो $4.6 पर चल रहा है। देख लीजिए जो गया था गया गया गया, और आज अच्छा खासा एक प्रॉफिट ठीक ठाक दे रहा है, मैं तो ये कहूंगा। फिलहाल इसमें भी सीन देखिए थोड़ा सा साइड में मूवमेंट तो रहेगा, लेकिन कल जो बाइनेंस वाला जो भी सीन चल रहा था परसों से, तो उसके एवज में अगर देखा जाए तो सबसे वो कहते हैं कि अपने अंदर जो खुशी मना रहा होगा वो शायद एफटीएक्स की टीम वाले ही होंगे कि आखिर सीजेड तो गया, सीजेड की कम से कम नपाई तो हुई। तो उसी का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको देखिए एफटीटी पर भी नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये र्यूमर भी चल रहे हैं कि शायद होने वाले वक्त में, आने वाला जो भी वक्त है उसमें एफटीएक्स शायद दोबारा से वापस आ जाए, और वापस अगर बाई चांस ऐसा कुछ हुआ तो एफटीटी आप अंदाजा लगाइए कहां जाएगा फिर से। और फिर भाई अमेरिका से बिलोंग करता है तो चांस बनते हैं कि शायद रीब्रांड होकर एफटीएक्स दोबारा से मार्केट में आ जाए, तो इसमें भी थोड़ा सा आप नजर जरूर रखिएगा। लेकिन ये क्या, ये मैं आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूं, जो भी आज हमने 3-4 टोकन के ऊपर बात की है ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए। तो आप यहां थोड़ा सा इन पर 3 टोकन है, शायद इनमें कुछ ना कुछ आपको अप जाएगा तो भी मिलेगा, डाउन जाएगा तो भी मिलेगा। तो यहां आप थोड़ा सा बस इस सीन को समझना सीख जाओ, बस और कुछ नहीं, क्योंकि बेहतर है थोड़ा सा मार्केट को सीखो, अपने आप कमाई होने लगेगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ, नमस्कार।